एक गांव में गोलू नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपनी गाय को चराने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन वो नदी के किनारे अपनी गाय चरा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे पानी चाहिए। गोलू सोचता है, अरे ये नदी के किनारे कौन पानी मांग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो उसी दिशा में चल देता है जिधर से आवाज आ रही थी। वो एक पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है वो पेड़ बोल रहा था, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। पेड़ प्यासा होने के कारण सूख चुका था। गोलू नदी से पानी लाकर उस पेड़ को पिलाता है। पेड़ बोला, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक जादुई मड़ी देता हूँ, तुम उस मड़ी से कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी हरा सकते हो। पेड़ से एक जादुई मड़ी निकलती है और गोलू के पास आ जाती है। गोलू मनी पाकर काफी खुश होता है और वहां से अपने घर चला जाता है। रास्ते में वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है और देखता है दो चुड़ैल आपस में बात कर रही थी। एक बोली, हम इस गांव में आग लगा देंगे और उस आग में जितने इंसान जलेंगे उन्हें हम खा जाएंगे, फिर ये गांव सुनसान हो जाएगा और हम यहाँ नाश करेंगे। तो दूसरी चुड़ैल बोली, हाँ बहन तू सही कह रही है। गोलू उनकी सभी बातें सुन लेता है और सोचता है, मुझे गांव वालों को तो बचाना ही होगा, पर कैसे, कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे उस जादुई मणि के बारे में याद आता है। गोलू बोला, मेरे पास तो जादुई मणि है और मैं उस मणि से इन चुड़ैलों को मार सकता हूँ। गोलू चुड़ैलों के पास जाने लगता है। एक चुड़ैल गोलू को देख कर बोली, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, पर इंसान तो हमें नहीं देख सकते। गोलू चुड़ैल के पास जाकर बोला, चुड़ैलों मैं तुम्हें गांव को बर्बाद करने नहीं दूंगा। एक चुड़ैल बोली, मूर्ख इंसान तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरे गांव को जला देंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो दोनों चुड़ैल अपने पंख खोलकर हवा में उड़ने लगती हैं। गोलू के भी दो पंख आ जाते हैं और वो भी हवा में उड़ने लगता है। अब उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। चुड़ैल अपनी शक्ति से गोलू पे अटैक करती हैं, लेकिन वो बच जाता है। इस बार गोलू अपनी मड़ी को चुड़ैल की तरफ फेंकता है। मड़ी के लगते ही वो चुड़ैल नीचे गिरने लगती है। चुड़ैल जमीन पर गिरकर मर जाती है और दूसरी वहां से भाग खड़ी होती है और गोलू वहां से अपने घर चला जाता है। दूसरी चुड़ैल काफी दूर जाकर सोचती है, अगर उस लड़के ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे भी मार देगा, मुझे किसी ऐसी जगह पे छिपना होगा जहाँ वो मुझे ढूंढ ना सके, मैं उस लड़के के घर के पास ही एक जादुई घर बनाऊंगी और उस घर को वो देख भी नहीं पाएगा। उधर गोलू सोच रहा था, अगर उस चुड़ैल ने गांव में आग लगा दी तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे उस चुड़ैल को ढूंढना ही होगा, पर अभी रात होने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। गोलू अपने घर चला जाता है। रात को वो चुड़ैल वहां आती है और अपनी शक्ति से वहां पे एक घर बनाती है। उस घर को कोई भी नहीं देख सकता था, गोलू भी नहीं। चुड़ैल बोली, अब वो लड़का कभी नहीं जान पाएगा कि मैं उसके घर के सामने ही रहती हूँ। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। सुबह होने पर गोलू अपनी गाय को लेकर चला जाता है।
चुड़ैल घर से बाहर निकली और बोली, अच्छा तो ये इसी टाइम पे बाहर निकलता है। अब मैं हर रोज इसके जाने के बाद ही निकलूंगी। फिर चुड़ैल अपने पंख खोलकर वहां से उड़ जाती है। रामू नदी के किनारे बैठा हुआ चुड़ैल के बारे में ही सोच रहा था, आखिर ये चुड़ैल कहाँ जा सकती है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो सोच ही रहा था तभी उसकी नज़र आसमान की ओर पड़ती है। चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी। गुल उसे पकड़ने के लिए उड़ने लगता है और चुड़ैल का पीछा करने लगा। चुड़ैल ने गोलू को अपनी ओर आते देख लिया और वो वहां से गायब हो गई। गोलू नीचे उतर आता है और बोला, इतनी मुश्किल से तो वो चुड़ैल दिखी थी और वो भी गायब हो गई। चुड़ैल अपने घर के पास जाती है और बोली, आज तो मैं शैतान की कृपा से बच गई, नहीं तो उस लड़के ने तो मुझे मार ही दिया था। चलो अब मैं जल्दी से अपने घर में चली जाती हूँ। चुड़ैल को वहाँ पे एक बकरी दिखाई दी। चुड़ैल भूखी थी तो वो उसे अपनी ओर खींचकर उसे खा जाती है। वहाँ पे काफी खून फैल गया था। चुड़ैल अपने घर में चली जाती है। शाम को गोलू वापस घर आता है। वहाँ पे खून को देखकर उसका माथा ठनका। गोलू को शक हो चुका है। वो चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन गोलू बाहर नहीं जाता। चुड़ैल को लगता है कि गोलू बाहर जा चुका है। वो अपने घर से बाहर निकलती है और पंख खोलकर हवा में उड़ने लगती है। तभी पीछे से गोलू भी उड़ता हुआ आ जाता है और अपनी मणि को चुड़ैल की तरफ फेंक देता है। मणि के लगते ही चुड़ैल घायल हो जाती है और चलने लगती है। वो चलते हुए नीचे जमीन पे गिरती है। उसके बाद वो मर जाती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू।